जी सर, मैं पहुंच ही रही हूँ। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। हेलो, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ। जा, जी मैं आ गया, बस नीचे ही हूँ। हाँ। सुनिए ना। हाँ बोलो। मैं भी चलती हूँ ना एयरपोर्ट। अरे हंस क्यों रहे हैं? मैं जानता हूँ तुम्हें एरोप्लेन देखना है, बट आई प्रॉमिस यू मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें और ट्विंकल को सीधा प्लेन में घुमाने लेके जाऊंगा। पक्का? पक्का। अपना ख्याल रखना और मेरी बेटी का भी। तुम भी अपना ख्याल रखना। वाली सीट मिली कि नहीं? हाँ बाबा। कितना टाइम है प्लेन छूटने को? अब बस अभी प्लेन बोर्ड करने जा रहा हूँ। सुनो, मेरा फोन ऑफ हो जाएगा, मैं वहाँ पहुँच के फोन करता हूँ। ठीक है? ठीक है, बाय बाय। ट्विंकल, वो देखो पापा का प्लेन। हाँ, बाय बाय कर दो। बाय। चलो अब इसको भी फिनिश करो जल्दी से। बेटा इसे पकड़ो, खाओ। हेलो, मिसेस सुनील शर्मा जी बोल रही हूँ। देखिए, आपके पति मिस्टर सुनील शर्मा ड्रग्स लेकर जा रहे थे, उन्हें कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। क्या? नहीं नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। वैसा काम कर ही नहीं सकते, वो शायद किसी और का होगा। कम से कम 15 साल के लिए जेल में जाएगा वो। सर देखिए, मेरी एक बेटी है, छोटी है वो अभी, अगर उन्हें कुछ हो गया पूरा परिवार बिखर जाएगा सर। प्लीज कुछ करिए ना आप। देखते हैं कुछ खिला पिला के बात बनती है तो। आप एक काम करिए, आपके पास जितना भी कैश और ज्वेलरी है सब लेकर आइए। कह नहीं सकते कितना लगेगा, बहुत बड़े कस्टम के साहब हैं। ठीक है सर, मैं लाती हूँ। आप जल्दी से एयरपोर्ट आ जाइए, और हाँ, इस बात का किसी को पता ना चले। अगर बात खुल गई तो फिर रफा दफा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और साहब भी गुस्सा हो जाएंगे। नहीं सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम ट्विंकल को अपने पास रख लोगी थोड़ी देर के लिए, मुझे बाहर जाना है। हाँ, क्या हुआ, इतने घबराए क्यों है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बेटा शैतानी मत करना, हाँ आपकी मम्मा तुरंत आ जाएगी। ठीक है, बाय मम्मा। बाय।
एक मिनट भैया। हेलो मैडम, आपके पति ने कबूल कर लिया है कि ड्रग्स उसी का है और बाकी का ड्रग्स कहाँ रखे हैं उसका पता भी बता दिया है। देखिए अब केस बहुत बड़ा बन गया है, इसे वसई लेकर जा रहे हैं, आप वसई पुलिस स्टेशन तुरंत पहुंच जाइए। और हाँ, एक बार एफआईआर हो गया ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आप प्लीज उनको रोक कर रखिए, मैं तुरंत पहुंच रही हूँ। मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। भैया रेलवे स्टेशन जल्दी चलो। हेलो मैडम, कहाँ पहुँचे आप? मैं बस ही पहुँच गई हूँ, मैं बस पहुँच रही हूँ पुलिस स्टेशन थोड़ी देर में। आप ऐसा करिए, वृंदावन कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ जाइए, आगे मार्केट के पास ही है। वृंदावन? अब ये सब बातें पुलिस स्टेशन में तो नहीं हो सकती ना। जी मैं भी पहुँचती हूँ। भैया मार्केट के पास ले चलो। बस बस भैया ये होगा। अरे वो मैडम रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? वॉचमैन जय सर, ये ले लीजिए। अब मेरे पति को ये आप उन्हीं को दीजिए, मैं सिर्फ इतनी मदद कर सकता था आपके, बाकी बात आपको उनसे ही करनी पड़ेगी। साहब ऊपर 302 में है, सुनिए। बोलिए। साहब बड़े गुस्से वाले हैं, ध्यान में रखना। आप मना तो लेंगी ना उन्हें? जी। Come in. दरवाजा बंद करो। सर मैं रीमा शर्मा, मिस्टर सुनील शर्मा की बीवी। सर मेरे पति ने कुछ नहीं किया। ये क्या लगा क्या रखा है तुम लोगों ने? समाज को दिखाने के लिए फैमिली बना ली और ड्रग्स का धंधा करके दूसरों की फैमिली को बर्बाद कर रहे हो। जवान बच्चों की रगों में जहर भर रहे हो तुम लोग। नहीं सर। चल घुटनों के बल बैठ। जी। घुटनों के बल बैठ। जूते साफ करो। जी। जूते। जीप से चलो चलो चलो। आपने जो कहा मैंने किया, अब मेरे पति को छोड़ दीजिए। ये सही है, पति ड्रग्स खिलाता है और बीवी पैसे। ये देख मेरा घर है, तुझे क्या मैं पैसे खाने वाला ऑफिसर लगता हूँ? अरे मुझे पैसे से खुशी नहीं मिलती है, किसी और चीज से मिलती है। अपने पति को छुड़ाना चाहती है ना, तो मुझे खुश कर दे। क्या कर रहे हैं सर? अरे मुझे लगा तुझे अपने पति से प्यार है। ठीक है जाने दे, सड़ने दे उसे जेल में। क्या मन बदल जाए तो आ जाना कमरे में। सर 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 कपड़े पहनने की मेहनत मत कर, अब मेरी बारी है। एक घंटे में आ जाएगा तेरा पति घर पे, अच्छी बीवी है तू। अरे इधर तक लेकर आइए तो रहने दे। और ये भी सोने की है क्या? और ये मंगलसूत्र और बाली, चलो वो भी निकाल दे। जी। अरे वो भी निकाल दे।
बस एकदम ठीक हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, बस फ्लाइट में इतनी देर बैठा रहा इसलिए। फ्लाइट में कहाँ हैं आप अभी? मलेशिया, बस अभी जस्ट कैब में बैठा, अब होटल जाऊंगा। हेलो रीना, रीना क्या हो गया? देखिए आपके पति मिस्टर सुनील शर्मा ड्रग्स लेकर जा रहे थे, उन्हें कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। सर हमें कंप्लेन लिखवानी है। क्या हुआ? सर वो हमारा रेप हुआ है। किसने किया? सर पुलिस वाले ने और कस्टम वाले ने। सर ये कुछ गहने और कैश है सर, सर ये ले लीजिए प्लीज, कुछ कर दीजिए। हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, पर प्लीज सर उन्हें छोड़ दीजिए। ये सब भी ले लीजिए। कानून को बिकाऊ समझ रखा तुम लोगों ने, ये पैसे और गहने से काम नहीं होगा मेरे सामने। तू कुछ और कर सकती है। दुपट्टा हटा, दुपट्टा हटा। अरे हटा दुपट्टा। हाँ ऊपर देख। इतनी भी क्या जल्दी है? सर एक साल पहले हमारी शादी हुई है और हमारे हस्बैंड असलम का अक्सर बाहर आना जाना लगा रहता है। आपके साथ जो कुछ हुआ आपने अपने पति को बताया? नहीं सर। कब हुआ ये सब? लास्ट वीक। और आप पुलिस के पास भी नहीं आई? सर सच बताए तो हम ये सब बताना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर आपने हमसे झूठ बोला। हमारे हस्बैंड तो बीजिंग में हैं। जानता हूँ तेरे हस्बैंड वहाँ है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। तेरे पति की कमी दूरी। देखिए आप जाइए यहाँ से, वरना मैं। वरना क्या? वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। मुझे पुलिस की धमकी दे रही है तू। लगा फोन, बुला पुलिस को। वहां थाने में कुलकर्णी साहब होंगे, सीनियर ऑफिसर है वहां के, उनको बोल कृष्णकांत देसाई आया है। लगा फोन, ला दे, मैं लगाता हूँ। दे सीधे उनके पर्सनल फोन पे लगाओ, कहीं ऐसा ना हो वो भी आ जाए अपना हिस्सा मांगने। ला दे, दे। देखिए आप जाइए यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी, पूरी सोसाइटी को इकट्ठा कर दूंगी। अब तो बुलाना सोसाइटी को, चिल्लाना। अब सोसाइटी भी तेरा सारा तमाशा देखेगी। वैसे बिना कपड़ों के बहुत खूबसूरत दिखती है रे तू। देखिए आपने जो काम नहीं किया प्लीज हमने। तो कब? मैं क्या हर जगह मुंह मारते घूमता हूँ क्या? तुझे भी छोड़ देता रे तो क्या करूं, मेरा दिल आ गया ना तेरे पे। अब पुलिस वालों के दिल नहीं होते क्या? चल अब नाटक बंद कर, चल आजा, आजा। उसके बाद वो पुलिस वाला दो बार आ चुका है, वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास हमारी वैसी फोटोज हैं।
देखिए, अगर हमारे डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने आपके साथ ऐसी हरकत की है तो हम शर्मिंदा हैं। लेकिन आप भरोसा रखिए, हम उसे गिरफ्तार करके रहेंगे। उन दोनों के नाम बताइए आप। सर, वो कस्टम वाले का नाम SN देशमुख और पुलिस वाले का नाम है कृष्णकांत देसाई। आपको उस ऑफिसर का डेजिग्नेशन याद है? जैसे उसके कंधे में कितने स्टार्स थे? सर, 2 स्टार थे। नंबर है आपके पास? जी। चले। यस, पुलिस वाले का नंबर। सर, नंबर बंद है। नंबर से एड्रेस का पता करो। सर, सर हमारे हस्बैंड कल वापस आने वाले हैं। हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या करें अब। देखिए, जो कुछ हुआ है आप उनको बता दीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिसकी गलती है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। पहली बार आपको कहाँ बुलाया था उन लोगों ने? सर, वृंदावन सोसाइटी वसई। सर, दरवाजा तो लॉक। साहब, अभी 10 ही दिन हुए होंगे उनको यहाँ आए हुए, और हम तो इनको देखे थे। ये रोती हुई जा रही थी, तभी हमको लगा साहब कि कुछ कांड तो हुआ है। घर का मकान मालिक कहाँ है? साहब, मकान मालिक तो बाहर देश में रहते हैं। संतोष भाई इस रूम को किराए पे देते हैं। संतोष भाई कौन है? एजेंट है साहब। कहाँ मिले? सर, अभी 10-12 दिन पहले ही उस कस्टम ऑफिसर ने 1 महीने के लिए घर भाड़े पे लिया था। पेपर्स कहाँ उसके? सर, पेपर तो नहीं है। हमने उसे पेपर मांगे थे, लेकिन उसने कहा कि बाद में दे दूंगा। एक्चुअली उसके तक पुलिस ऑफिसर भी था, तो हमने पेपर मांगने जरूरी भी नहीं समझा। कानून तुम्हारे सहूलियत के लिए नहीं बनाया कि तुम जो जरूरी नहीं समझो वो काम मत करो। पढ़, आगे से ध्यान रखना। जी सर। पुलिस ऑफिसर और कस्टम ऑफिसर के पास कोई गाड़ी वाड़ी है क्या? बाइक है साहब। नंबर क्या है? नंबर तो ध्यान नहीं है। पटेल, ये CCTV और सोया की बिल्डिंग का CCTV दोनों फुटेज निकालो। जरा देखो ये दोनों कौन है। ओके सर। चलो बोलो, 10 × 10 कितना होता है? 10। हाँ, मेरा असाइनमेंट जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी वापस आ गया। अरे अरे, क्या हुआ रीना? 4 दिन में बाहर क्या चला गया? तुम्हारा हाल तो देखो। और मेरे बच्चा का क्या हाल है ट्विंकल? आजा मेरा मुन्ना, तुम्हारे लिए मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाया हूँ। चलो चलो चलो। देखिए, आपके पति मिस्टर सुनील शर्मा ड्रग्स लेकर जा रहे थे, उन्हें कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। सर, इन जैसे पुलिस ऑफिसर की वजह से पुलिस की छवि पब्लिक के नजर में खराब हो रही है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए रात दिन खड़े रहते हैं, और ऐसे ऑफिसर्स की वजह से लोग पुलिस से डरते हैं, हमारे पास आने से कतराते हैं। इन दोनों ऑफिसर्स को किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा। सर, उस पुलिस ऑफिसर का नंबर कृष्णकांत देसाई के नाम पर नहीं, किसी गौतम गुलाटी के नाम पर रजिस्टर्ड है। हो सकता है ये उसका जानने वाला हो। पता करो जरा, इस गौतम गुलाटी के जरिए हम उस पुलिस ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं, और उस पुलिस ऑफिसर के जरिए कस्टम ऑफिसर तक। गौतम गुलाटी जी, मैं ही गौतम गुलाटी हूँ। कहिए, क्या बात है? ये नंबर आपका है? जी नहीं, ये नंबर मेरा नहीं है। फिर ये नंबर आपके एड्रेस पर कैसे आया? पता नहीं मैडम, आप तो जानती हैं कि आजकल हर जगह एड्रेस प्रूफ मांगते हैं। डॉक्यूमेंट्स तो किसी के पास भी हो सकते हैं, कह नहीं सकता। पॉज करो, पॉज करो, थोड़ा जूम करो। चेहरा कहीं भी साफ नजर नहीं आ रहा। इसने थ्रू आउट सनग्लासेस और कैप पहने हुए। ये कैमरे का प्लेसमेंट भी ऐसी जगह है जहां से बाइक का नंबर नजर नहीं आ रहा। सर, कृष्णकांत ने गौतम गुलाटी के नाम पर वो नंबर लिया, लेकिन गौतम गुलाटी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन सर, कृष्णकांत जैसे ऑफिसर ने गौतम गुलाटी के नाम पर ये नंबर क्यों लिया होगा? ताकि वो अपनी काली करतूतों को अंजाम दे सके। पता करो ये सिम कौन सी दुकान से खरीदा गया। ओके सर। Okay,
सर। क्या हुआ? रीना? हाँ? अब यहाँ पे ये ड्रॉ पे मैंने 20,000 रुपए रखे थे, तुमने कहीं और रख दिए क्या? नहीं, पापा की तबीयत खराब थी ना, तो उसमें दे दिए। क्या? भाई ने कहा है वो लौटा देंगे, आप चिंता मत करिए। रीना, पापा की तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मैं अभी कॉल करता हूँ उनको। अरे नहीं नहीं, क्यों? अभी अभी सो गए होंगे ना, और वैसे भी अब वो बिल्कुल ठीक है, आप भी सो जाइए आराम से। ठीक है बाबा, नहीं करता उनको डिस्टर्ब। ठीक है, जोया तुमने मुझे पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया? हम बहुत डर गए थे। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो किसी से डरने की क्या जरूरत थी? तुम चलो मेरे साथ, हम पुलिस को सब बता देंगे। हमने ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी है, उसके पास हमारी वैसी फोटोज है। जोया मेरी बात सुनो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, अपना ख्याल रखना। हो मुला गेली अच्छा है ला। और हाँ, लंदन पहुंचते कॉल करना, ठीक है? हेलो, ग्राहकाला कॉल करीत आहात ते सध्या उपलब्ध नाही। साहेब म्हणजे नवऱ्याने नाही केलं, मी खरं सांगते, वो ऐसा नहीं कर सकते सर। जब तक नई जगह नहीं मिलती इस टेरेस से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन ये टेरेस का भी ना अपना ही एक मजा है। जा। सर प्लीज, सर मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि जोया बहुत तकलीफ में, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कस्टम वाले और पुलिस वाले इतनी घटी हरकत कर सकते हैं। देखिए मैं मानता हूं कि बात बहुत शर्मिंदगी की है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। आप भरोसा रखिए, ये जो कोई भी है उसे जल्द से जल्द हम लोग पकड़ लेंगे। सर मैंने सिम कार्ड कंपनी से पता किया, वो सिम कार्ड मीरा रोड के किसी मोबाइल शॉप से खरीदा गया है। अरे सुनो। हाँ सर। इस नंबर का सिम तुम्हारे दुकान से बेचा गया था? एक मिनट सर। हाँ सर। जब बेचा तब पेपर्स लिए थे आपने? हाँ सर, पेपर तो लिए थे मगर उसके खुद के नहीं थे। इस पेपर पर तुमने ये सिम बेचा था ना? हाँ सर। गौतम गुलाटी के नाम पर तुमने ये सिम दूसरे को क्यों बेचा? मैंने उन्हें पेपर के लिए बोला था मगर उसने बोला कि मैंने लाया नहीं, तो फिलहाल इससे काम चला लो। तुम्हें पता ना ये गैर कानूनी है? सब पता तो है मगर पुलिस वाले थे ना, मना कैसे कर सकता हूँ? क्यों, पुलिस वालों के लिए कुछ अलग कानून बनता है क्या? माफ कीजिए सर। आप जल्दी आ गया, आप बैठिए मैं पानी लेके आती हूँ। तुम्हारे भाई से बात हुई मेरी, उसने तो कहा कि तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है और ना ही उसने तुमसे कोई पैसे लिए हैं। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? मेरी एक सहेली को चाहिए थी, उसे दिए मैंने।
रहा है तुम्हारे कंगन, और आजकल तुम मंगलसूत्र भी नहीं पहनती हो। ये भी सोने की है क्या? और ये मंगलसूत्र और बाली, चलो भी निकाल दे। कहाँ है सारे गहने? अंदर। कहाँ है सारे गहने? जवाब दो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। उस पुलिस ऑफिसर ने सिम कार्ड किसी दूसरे के नाम से खरीदा। हाँ सर, और सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। पढ़ी ये लोग जो कोई भी थे, ये असलम के ट्रैवल प्लान से वाकिफ थे, और शायद इनकी एयरपोर्ट ड्यूटी होगी। मैं नहीं चाहता था कि इस मामले का ज्यादा लोगों को पता चले, मीडिया में न्यूज वगैरह है, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमें बात करनी होगी, पता करो वो ऑफिसर कौन है। ओके सर। माँ तुम यहाँ पे आ जाओ ना प्लीज। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? सर, पता चला है कि उस दिन एयरपोर्ट पर किसी कृष्णकांत देसाई नाम के पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी तो नहीं थी, हाँ लेकिन एसएन देशमुख नाम के कस्टम ऑफिसर की ड्यूटी थी। चलो, कस्टम ऑफिसर मिल गया है तो उसका साथी भी मिल ही जाएगा, बुलाओ उसको, और जोया और असलम को भी बुलाओ। सर, एसएन देशमुख। सर ये वो नहीं है। अरे श्योर ये नहीं है? सर इन्होंने कहा था कि उसने कैप और गॉगल पहने था, शायद इसलिए ये इन्हें पहचान नहीं रही है। देशमुख सर, कैन यू प्लीज। अब कोशिश करो। नहीं सर ये नहीं है। देशमुख साहब सॉरी फॉर द ट्रबल, आणि सहकार्य केल्याबद्दल धन्यवाद। इट्स ओके, आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, नो प्रॉब्लम। जोया जी, ऐसे पता कर पाना तो बहुत मुश्किल है। अगर हम मान लें कि एयरपोर्ट ड्यूटी पर कोई कस्टम ऑफिसर था जिसे असलम के ट्रैवल प्लान के बारे में पता था, तो तब भी हम सबको तो यहाँ ला करके खड़ा नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको उन दोनों के स्केच बनवाने होंगे। सर हम श्योर तो नहीं है, पर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अरे मुंह में दही जमा के बैठी हो क्या? बताती क्यों नहीं, कहाँ गए पैसे और गहने? किस यार पे लुटा के आई है तू? किसी यार ने लालच दिया होगा कि साथ में ले जाएगा, और इसीलिए तेरे जाने के बाद सारे पैसे और गहने लेकर निकल गई घर से। अब लेकर भाग गया होगा वो सब पैसे और गहने, तो आ गई तेरा सब मुंह लेके। अभी इसके बाप को फोन लगाती हूँ। बन गया स्केच? हाँ सर, सर को स्केच दिखा। ऐसे ही दिखते थे दोनों? सर हम एकदम श्योर नहीं है, पर ऐसे ही कुछ थे। सर एक्चुअली बात यह है कि ये कुछ ठीक तरह से बता नहीं पा रही है। उन दोनों का चेहरा हमारी जहन में है, पर हम बता नहीं पा रहे हैं सर, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, देखते हैं हम लोग। पटेल, सोसाइटी के गार्ड को बुला लो। साहब एकदम से तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे ही दिखते थे। नाक थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन साहब पक्का नहीं कह सकता मैं। इतनी बार देखा है फिर भी पक्का नहीं बता सकते? साहब पुलिस वाले की आंखों में आंखें डालकर किसकी हिम्मत हो सकती है देखने की? किसी बात को लेकर हमारे पीछे पड़ जाते तो। वैसे साहब मैंने जितनी बार इन्हें देखा है ना, ऐसे ही टोपी और चश्मे में देखा है।
पटेल ऐसे पता कर पाना मुश्किल होगा। अब तो जितने भी पुलिस ऑफिसर और कस्टम ऑफिसर्स हैं, सबकी फोटो से मिलाना होगा, रैंक के अकॉर्डिंग मिला के देखो। सर इतने सारे पुलिस ऑफिसर है, इतने सारे कस्टम ऑफिसर है, कैसे पता चलेगा? पटेल पता तो करना होगा, हो सकता है कि ऑफिसर्स फेक नाम यूज कर रहे हो। उस फ्लैट से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो और दोनों डिपार्टमेंट के लोगों से चेक करके देखो। ओके सर। देख रहे ना, मैं जानता हूं कि तू गलत नहीं कर सकती। बताना बात क्या है, क्या किया तूने उन पैसों का? देख ले आपने, कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है ये। आप तो एक मेहरबानी करिए हम पर, इसे यहां से ले जाइए, आप ये यहां नहीं रह सकती। शादी के बाद मैंने अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर दिया था, अब आप देख लीजिए, अगर आपको इसको घर से निकालना है निकाल दीजिए, लेकिन मैं इसे अपने घर नहीं ले जाऊंगा। अपने घर ले जाकर के मुझे अपने मुंह पे कालिक नहीं पुतवानी है। मैं ये समझ लूंगा कि मेरी बेटी मर गई। चलो राकेश। तू कहाँ चली? हाँ कोई जरूरत नहीं जाने की, चल चल अंदर। सर वो स्केचेस हमने सारे ऑफिसर्स के साथ मिला के देखे, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। पता नहीं कि ये ऑफिसर कौन है जिन्होंने ये फिंगरप्रिंट्स का कुछ पता चला? सर अभी बहुत स्कैनिंग बाकी है, थोड़ा टाइम लगेगा। से बहुत परेशान थी सर, तो आज सुबह बिल्डिंग से कूद गई। परेशान थी क्यों? सर इसका किसी के साथ कुछ चल रहा था और घर से गहने पैसे सब गायब है सर। हम तो पूछ के थक गए साहब कि कौन है, क्या किया पैसे का, लेकिन कुछ नहीं बताया इसने। ये मेरे बेटे को धोखा दे रही थी, जब पोल खुल गई तो कूद गई, करती क्या? सर जी बॉडी लैब पोस्टमार्टम लैब बैठा। ओके सर। ऊपर सीसीटीवी है? जी हाँ साहब है। सर ये एक सुसाइड केस है, रीना शर्मा नाम है इसका। इसके पति सुनील शर्मा और इसकी सास का कहना है कि इसका बाहर अफेयर था, उस आदमी को ये घर से पैसे वगैरह चुरा कर देती थी और जिस दिन पकड़ी गई उस दिन इसने सुसाइड किया। सर ये देखिए, ये उस टेरेस का सीसीटीवी फुटेज है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि रीना ने सुसाइड किया है। ठीक है सर, फ्लैट में हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले उससे मैंने सारे पुलिस ऑफिसर और कस्टम ऑफिसर के फिंगरप्रिंट्स मैच करवाए, लेकिन किसी से भी इनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे। सिम कार्ड नकली, नाम नकली, न किसी से फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे ना चेहरे। पाटिल ये मामला इंपर्सोनेशन का हो सकता है। हो सकता है सर। सर अगर ये लोग नकली है तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये लोग है कौन, और ये लोग तो खुलेआम वर्दी पहन के घूम रहे। पाटिल जरा पता करो, ये फिल्म और सीरियल वालों को ये यूनिफॉर्म्स भाड़े पर कहां से मिलते हैं, हो सकता है वहां से कोई लीड मिले। ओके सर। बिल्कुल ऐसा तो नहीं, लेकिन ऐसे दिखने वाला एक आदमी यहाँ पे आता है और हमेशा पुलिस वाले का और कस्टम वाले का एड्रेस भाड़े पे लेके जाता है। कौन है वो, नाम क्या है उसका, एड्रेस है? एक मिनट। हाँ गगन नाम है उसका, लेकिन एड्रेस तो पता नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर है। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला, वो एक नकली पुलिस वाला ही है, गगन नाम है उसका। फेम ड्रेस वाले से हमेशा पुलिस ऑफिसर और कस्टम ऑफिसर का यूनिफॉर्म भाड़े से लेता है,
सर उसका नंबर भी मिला है हमें, फिलहाल तो स्विच ऑफ है, लेकिन उसके नंबर से हमने उसका एड्रेस निकलवाया है। उसका नंबर सर्विस पे डालो, पता करो जैसे ही ऑन होता है, चलो उसके घर चलते हैं। इतनी तहकीकात के बाद अब पुलिस को शक हो चला था कि ये दोनों अफसर नकली हैं, और पुलिस ने दोनों को ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तोड़ दो। सर ये देखिए, एक लिस्ट मिली है जिसमें कुछ नाम लिखे हैं और नाम के आगे डेट्स लिखी हुई है। ये देखो, असलम 2 अगस्त, 2 अगस्त को असलम बीजिंग जाने वाला था। ये सारी बैक डेट्स हैं, हो ना हो इन तारीखों पे ये लोग कहीं बाहर ट्रैवल करने वाले थे, और ये गगन और उसका पार्टनर मिलके उनको या उनके परिवार वालों को किसी मुश्किल में डालने की प्लानिंग में। सर लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि गगन के पास ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से। मुझे बस इतना पता है कि टेंपल रोड पे जो मार्केट है वहाँ पे एक शरद रियल इस्टेट एजेंसी है, वही काम करता है, देखा है मैंने उसे एक दो बार वहाँ पे। गगन यही काम करता है? जी हाँ, प्यून है वो यहाँ, लेकिन अभी नहीं है। बात क्या सर? इन लोगों को जानते हो? नहीं सर, इनमें से हम किसी को नहीं जानते। गगन के गांव का एड्रेस? 2 साल से काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट कहाँ ढूंढेंगे सर? कल को अगर वो तुम्हें चाकू मारकर निकल गया ना, तो हम लोग भी यही कहेंगे कि कहाँ ढूंढेंगे उसे। पाटिल पाटिल, डॉक्यूमेंट ढूंढो और जैसे वो मिले पुलिस को फोन करो। जी सर। पाटिल, गगन के नंबर से पता करो किस किस के टच में था। ओके सर। गगन को कैसे मालूम कि जोया कौन है और उसका हस्बैंड डेज से बाहर जाने वाला है, और जो लिस्ट में बाकी के नाम थे उनका असलम से क्या कनेक्शन? सर मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, एक कस्टम ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर ने। आपके पति कहीं बाहर गए क्या? जी, अबू धाबी। आपको एयरपोर्ट से फोन आया होगा कि आपके पति एयरपोर्ट पे ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं। आपके पति को ड्रग्स के साथ पकड़ा है। आप पैसे लेके जाएं और मामले को रफा दफा करें। आपके पास जितना भी कैश और ज्वेलरी है सब लेकर आइए। फिर आपको एयरपोर्ट बुलाया होगा, फिर एयरपोर्ट से कहीं और उस जगह पर आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। सर आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि आप अकेली नहीं है, इस तरह के केसेस की हम पहले भी छानबीन कर रहे हैं। आप इन दोनों को पहचानती हैं? सर पूरी तरीके से नहीं कह सकती, लेकिन स्केच मिलते तो हैं। सर मेरे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते सर, और इन दोनों के हाव भाव से मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। आप पैसे लीजिए और मामले को यही रफा दफा कर दीजिए। अरे मामले को तो अब तू ही रफा दफा कर सकती है। सर पति चाहिए ना। सर क्या कर रहे हैं? सर उतने में कुछ लोग वहाँ पे आ गए और मैं भाग गई। आप काफी बहादुर हैं जो वहाँ से बच के निकल के आ गई। ये दोनों ऑफिसर्स नकली हैं और भोली वाली औरतों को फंसाने का काम कर रहे हैं। एक लिस्ट मैं आपको देता हूँ, जरा बताइए इनमें से किसी को आप पहचानती हैं क्या? सर ये अमन शाह मेरे पति। सर एक्चुअली इनका जाने का प्लान भी अचानक से बन गया था, इसलिए वो स्वस्तिक ट्रैवल एजेंसी है ना, वहां से मैंने टिकट निकलवाई थी। स्वस्तिक? जोया जी आपके पति की टिकट कौन सी एजेंसी से करवाई थी? स्वस्तिक ट्रैवल एजेंसी। आपने गगन बोला तो देखकर लगता है कि थोड़ा थोड़ा गगन जैसा लग रहा है, मेरे प्यून का दोस्त है। मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ, जरा पढ़ के बताइए आप किसी को जानते हैं क्या? हाँ इन सबकी टिकट तो मैंने ही बनाई है। प्यून कहाँ है आपका? जी सर मैं गगन को जानता हूँ, वो मेरे गांव का ही है, अक्सर यहाँ आता है। तो यहाँ आके गगन तुम्हारे पेपर से छेड़छाड़ कर रहा था, तुम क्या बैठ के देख रहे थे? साहब मेरे सामने तो उसने कभी कुछ नहीं किया। हाँ अगर मुझे आसपास कहीं जाना होता है और सर ऑफिस पे नहीं होते तो उसके भरोसे पे छोड़ के चला जाता हूँ साहब।
लिस्ट में जितने लोगों के नाम है मुझे सबके एड्रेसेस चाहिए। गगन के गांव का एड्रेस लिखवाओ। चलो। जी साहब। मिसेज मात्रे, कभी किसी पुलिस ऑफिसर ने या कस्टम ऑफिसर ने आपके साथ कोई गलत हरकत की है? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप यहाँ से जाइए और फिर वापस मत आना। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। सॉरी सर, ये तो बोल रही है कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो है लेकिन बता नहीं रही। रहने तो कोई फायदा नहीं, हमारे जाने से तो ये बोलेगी नहीं। अगर बोलना होता तो कब की कंप्लेंट लिखवाने आ गई होती। प्रीति और जोया का बयान उन दरिंदों को जेल पहुंचाने के लिए काफी है। सर मुझे और एक बात खटक रही है कि देखिए, इस एड्रेस लिस्ट में एस रसोगी का भी नाम है। ये वही एड्रेस है जहां पर वो रीना शर्मा ने सुसाइड किया था। देखिए आप समझते क्यों नहीं है, हमें नहीं चाहिए रीना की लाश। आप एक काम कीजिए, आप उसके बाप को फोन कीजिए और उसको बोलिए कि उसकी लाश का क्रियाकर्म कर दे, और अगर उसका बाप मना कर दे तो उसकी लाश को लावारिस समझ के जला दीजिए। हम रीना के बारे में बात करना चाहते हैं। जो इंसान है ही नहीं उसके बारे में बात करके क्या फायदा। उसने वो सारे पैसे उसके यार पे उड़ाए थे। वो कौन है वो हमें बता दीजिए, हमारे लिए इतना ही काफी है। उसने वो पैसे अपने किसी यार वार पे नहीं, आपको बचाने के लिए खर्च किए थे। क्या? जिस दिन आप मलेशिया गए। देखिए, आपके पति मिस्टर सुनील शर्मा ड्रग्स लेकर जा रहे थे, उन्हें कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। उस दिन रीना ने जो कुछ भी किया वो आपकी और आपके खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया, लेकिन वो बेचारी खुद को नहीं बचा सकी। जी गगन का साहब? गगन तो नहीं है। बट आरे साहब, पर हुआ क्या? अरे जल्दी बता, बहुत गुस्से वाला ऑफिसर है ये, बहुत मारेगा। अरे क्या बताऊं साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। ऐसे नहीं समझेगा ये, देख ले बट। साहब उसका नाम विमल शिंदे है, पोस्ट ऑफिस में काम करता है। वहाँ वो कस्टम का सामान आता है ना सर, उसी से उसको ये आइडिया है। मुझे बोला तो मैंने भी पैसे और औरत के लालच में हाँ बोल दिया था सर। कहाँ मिलेगा ये? नासिक में। औरतों के नंबर कहाँ से मिलते थे? वो ट्रैवल एजेंसी से साहब, ज्यादातर लोग अल्टरनेट नंबर देते हैं ना, वो सब उनके पत्नी के होते थे। जो औरत समझ में आती थी उस पर हम दोनों नजर रखते थे। और तूने क्यों किया? और क्या करता साहब, एक दिन काम से जल्दी घर पर आया, देखा तो मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ बिस्तर पे, खून खोल गया साहब। बीवी को बहुत मारा लेकिन वो मुझे ना मर्द बोल के उसके यार के साथ भाग गई। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ सोई ना, तो मैं भी किसी और की बीवी के साथ सोया। सब चलता है आजकल, इसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ, तो मैंने भी अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए उन मासूम औरतों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। उनकी शादीशुदा जिंदगी में क्या असर हुआ जानते हो? बहुत मर्दानगी दिखाने का शौक है ना, इनकी सारी मर्दानगी यही निकालो। विमल और गगन को बलात्कार, जालसाजी और नकली अफसर बनने के आरोप में सजा हुई। मुसीबत पड़ने पर होशो हवास खो देना आम है, और इसी का फायदा गगन और विमल जैसे अपराधी उठाते हैं। और अगर आपके साथ या आपके हाथ से कुछ गलत हुआ भी है तो सीधा पुलिस के पास जाएं। ये याद रखना जरूरी है कि पुलिस और न्याय व्यवस्था हमारी सहूलियत और रक्षा के लिए बने हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.